चलो यहाँ देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था ईथर का सारा केमिकल रिएक्शन, बस एक रिएक्शन बच गया था, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसका? एरोमेटिक ईथर का। किसका? एरोमेटिक ईथर। यहाँ देखो, जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाए रहता है तो इसके पास क्या रहता है? लोन पेयर। क्या रहता है जी? लोन पेयर। एक नहीं दो दो लोन पेयर होगा, तो देखो तो लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा इस बेंजीन रिंग को। इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी बोलो ये जो स्पीसीज बना, ये कैसा बना? इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसा बना जी? ये आपका बना इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज बना, इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन को देगा, तो बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आएगा? इस ओर्थो पोजीशन पे और यहाँ पे पारा पे, यानी ये क्या बनेगा? ओर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, अरे बनेगा किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल। कहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे आने के लिए? ओर्थो और पारा पोजीशन पे। कहाँ पे? ओर्थो और पारा पोजीशन। ये क्लियर है? ओ सी एस थ्री में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो डोनेट करेगा इस बेंजीन रिंग को, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो रिच साइट बनेगा कौन कौन सा? ओर्थो और पारा। तो ओर्थो पारा पे कहेगा किसको अटैक करने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल को। इतना क्लियर है? इतना मेंशन करो। अरे जल्दी करो, 5 मिनट का काम है ये। बोलो जी, ये आपका क्या है? नाम बोल इसका। एनिसोल। अरे क्या है ये? सब बोला जाता है, ईथर है ना, एरोमेटिक ईथर। बोले हाँ, नाइट्रेशन के लिए याद है? नाइट्रेशन का रिएजेंट कितने को याद है? हाँ टोटा, एक दो। नाइट्रेशन का रिएजेंट बोल, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बोलो यहां से क्या बनता था? NO2 प्लस क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनता था? इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा? इसके ओर्थो पोजीशन पे और एक पारा पोजीशन पे। अरे होगा, अब बताओ कौन सा मेजर होगा? पारा वाला मेजर होगा, ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और ये वाला कैसा होगा? माइनर, कम बनेगा। हैलोजिनेशन का रिएजेंट बताओ, तुम बताओ हैलोजिनेशन का रिएजेंट बताओ। क्लोरीनेशन करना है, तुम ही बोलो। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, नहीं याद आया? बोलो इसके प्रेजेंस में क्या बनता था? Cl+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल, Cl+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब बोलो कहाँ कहाँ अटैक करेगा? ओर्थो पे और पारा पे। फिर ये वाला आपका मेजर बनेगा, और ये वाला कैसा बनेगा? माइनर। हाँ चले ही तेजी में, याद हो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन याद है? बोलो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएजेंट, तुम लोग को याद है? किसी को? किसको याद है? बस एक आदमी को छोड़ के किसी को नहीं याद है। अल्काइलेशन के लिए यहां देख, CH3Cl किसमें? एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 किसी में रख दो। यहां से ये Cl माइनस लेके चला जाएगा, क्या निकलेगा? CH3+। अब ये CH3+ या तो इसके ओर्थो पे या तो पारा पे हो गया। ये वाला कैसा होगा? मेजर। और ये वाला कैसा होगा? माइनर। असाइलेशन के लिए रिएजेंट बोल, रे फिर खड़ा होके पूछ देंगे। असाइलेशन के लिए रिएजेंट बोल, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ किसके? एनहाइड्रस AlCl3। फिर से बोलो, हमने क्या सिखा रखा है? ये AlCl3 यहां से Cl माइनस ले जाएगा, तो बोलो यहां से क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस पे कैसा चार्ज? प्लस। ये अटैक करेगा इसके ओर्थो और पारा पे,
तो यहाँ बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, एक बार लगेगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ऑफकोर्स ये वाला मेजर होगा और ये वाला कैसा होगा, माइनर। जल्दी करो, इसी का नाम बता दे, इसी का नाम बता दे। यहां देखो, ये अगर पहला पोजीशन है तो ये वाला दूसरा होगा, यहां देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये कौन होगा, चौथा। दूसरे पोजीशन पे बोलो ये क्या है, मिथॉक्सी, कुछ याद आया, टू मिथॉक्सी। और बोलो ये, यहां देख सी ओ मतलब ये क्या हो गया, कीटोन, क्या हो गया, कीटोन। ये एसीटो इधर और फेनोन इधर, इसी का नाम होता है एसीटोफेनोन, टू मिथॉक्सी एसीटोफेनोन, इसी का नाम उधर अगर लिखेंगे तो बोलो यहाँ पे बस केवल पोजीशन बदल जाएगा। पोजीशन में क्या बदलेगा बोलो, अरे क्या बदलेगा, बस यहाँ पे टू के जगह कौन आ जाएगा, टू के जगह आ जाएगा फोर, इसका नाम हो गया फोर मिथॉक्सी एसीटोफेनोन, एक्चुअल में कीटोन है ये। क्योंकि इसलिए नाम जानो ना कि आपको कल के डेट में कंपाउंड नहीं देगा, नाम लिख देगा, आपको कंपाउंड दिमाग में सोचना होगा, तो दिमाग में रखना होगा कहीं मिथॉक्सी लगा है चौथे पोजीशन पे, और एसीटो मतलब क्या होगा, सी ओ सी एस थ्री है, और फेनोन मतलब, फेन मतलब क्या, फिनाइल ग्रुप बेंजीन, और ओन मतलब क्या है, कीटोनिक ग्रुप, कौन सा है वो, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वहां पर नहीं बनने वाला। बस यहाँ पे ईथर आपका खत्म हो गया है। सबके पास असाइनमेंट, जिसके पास नहीं है आसपास में किसी के साथ शेयर करो, किसी के साथ शेयर करो। मोनोक्लोरिनेशन किसका जी, टॉलवीन का। अच्छा इतना बोलो, इतना हम बोलते हैं अपने लिए बोलते हैं रे, थोड़ा दिन पढ़ लेना किसमें, सनलाइट में, और कहता है फिर हाइड्रोलिसिस कराना है किसके साथ, एक्वासिनोज के साथ। देखो हमें तो नजर आ रहा है कि क्या बनेगा, यहाँ देख टॉलवीन मतलब बोलो बेंजीन में कौन लगा होगा, सी एस थ्री, इसका हैलोजिनेशन क्लोरिनेशन कराना है सनलाइट में। हम आपको बताए थे रिंग पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, साइड चेन पे। तो यहाँ मान लो एक हाइड्रोजन को हटा के कौन बैठ गया, सी एल। अब कहता है इसको एक्वस एनओएच में डाल दो, तो एक्वस एनओएच में क्या होगा बोलो, सी एल को हटा के कौन बैठ जाएगा वहाँ, ओ एच। सी एच को हटा के कौन बैठ गया, ओ एच। नाम बोलो इसका, बेंजाइल अल्कोहल। नाम बोलो, बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ चलिए, हाँ चलिए, कॉपी में तेजी में बढ़े आगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी अल्कोहल विथ मॉलिकुलर फार्मूला, कौन सा, C4H10, जिसमें कहता है कायरल। कायरल मतलब कार्बन पे चारों ग्रुप कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, यही आपको ढूंढना है। रुक जाए एक मिनट, यहाँ देख, ध्यान देना, जैसे अल्कोहल कौन था, C4H10O, यही था, सुनना एक मिनट। यहाँ पे अल्कोहल में देखो होता क्या है, अगर ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, दो, क्या होता है, दो। हैलोजन का वैलेंसी कितना होता है, एक, और नाइट्रोजन का कितना होता है, तीन, अरे होता है ना। तो अगर ऑक्सीजन आ जाए तो एक ऑक्सीजन को हटाओगे तो दो हाइड्रोजन को जोड़ दो, बोलो क्या हो जाएगा, C4H12, अरे होगा C4H12, ये ना होगा, चाहे C4H10 है ना, C4H10, चाहे ऐसे करो, इसको ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, यहां से OH को हटा करके जो OH का वैलेंसी कितना हो गया, एक, एक हाइड्रोजन को क्या करो, जोड़ दो, तो एक OH हटाओगे, बोलना यहां एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नौ, और जोड़ दो C4H10, अरे बचा, बोलो ये क्या हो गया मेरा, ब्यूटेन, अरे क्या हो गया, ब्यूटेन। मतलब क्या करना है, यहां देख ये जो भी कंपाउंड दिया रहे उस कंपाउंड से पहले आपको आना है कहां पे, पेरेंटल अल्केन में, कहां पे आना है, ये सब चीज सीखो, पेरेंटल अल्केन में आना है। हम कैसे आए बोलो, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ओ एच, अरे क्या होता है, ओ एच,
OH वहां से हटाओ और क्या करो, OH कच की वैलेंसी कितना है, एक, एक OH हटा के एक हाइड्रोजन क्या करो जोड़ दो, क्या मिल गया, ब्यूटेन। क्या मिला जी, ब्यूटेन। अब बोलो, हम कभी आपको सिखाए थे 111, 235 याद आया, 918, 35, 75 कुछ याद आ रहा है, ये याद है, ये क्या था, यहां शुरुआत का तीन C1, C2, C3 में कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता है। कहां से शुरू होता है, ब्यूटेन से, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन, ये हेक्सेन, ये हेप्टेन, ये ऑक्टेन, ये नोनेन और ये डेकेन। तो बोलो जी, ब्यूटेन में ये हम आपको ट्रिक सिखाए थे, मेमोरी ट्रिक सिखाए थे, ऐसा होता है। देन आपको क्या नजर आया, ब्यूटेन हैज टू बैकबोन कह सकते हो या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बोलो कौन कौन सा, एक ये वाला नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा कौन सा, आइसोब्यूटेन। सोचो अल्कोहल कहां कहां बन सकता है, बोलो OH यहां जोड़ सकते हैं, 1-butanol यहां जोड़ो, 2-butanol इसमें यहां जोड़ो, यहां जोड़ो और यहां जोड़ो, सेम रहेगा, अरे सेम रहेगा, एक यहां भी बन सकता है। मेरे पास कितना अल्कोहल, बोलना, 4, 4 अल्कोहल में चारों का स्ट्रक्चर बनाओ। देन बोलते जाना, पहला हम अल्कोहल बना रहे हैं CH3 पूरा बना रहे हैं जानबूझ के, CH2 और यहां पे OH, दूसरा बोलो CH2 यहां पे यहीं लगाना है और यहां पे CH3, तीसरा बोलो, अब इसमें आ जाओ CH3 यहां पे CH3 यहां H यहां CH2 OH, चौथा बोलो एक यहां पे लगाना है तो CH3 C यहां पे लगेगा OH, क्या हो जाता है क्योंकि, और यहां पे CH3। खोजो काइरल कहां है, कौन सा काइरल है, काइरल OH को ढूंढो, उस OH को ढूंढो जहां पे सारा ग्रुप डिफरेंट हो। यहां पे, यहां देख, इस कार्बन को देख, इस कार्बन को, इस कार्बन पे देख तो एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक OH और एक यहां पे ये वाला ग्रुप, ये वाला कैसा है, ये है आपका काइरल कार्बन, कैसा है जी, तो काइरल कार्बन हो गया। तो ये वाला अल्कोहल जिसमें OH लगा है यही पे काइरल है, बाकी चेक कर, जहां OH लगा है यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, जहां OH लगा है वहां 3 CH3 है, अरे है, यहां पे काइरल वाला कितना, 1, कितना बना, 1। इस तरह से सोचना होगा, इस तरह का क्वेश्चन उतारो आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में पूछा आपको अल्कोहल को HCl से रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो पूछा कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 degree, 2 degree, 3 degree में कंपेयर करना है। एक मिनट, अभी बोलना नहीं, तू ही बोल, ये कौन सा रिएक्शन है। कुछ अल्कोहल का टेस्ट पढ़ाए थे, इन दोनों को मिला के कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। और बताए थे इसके, इसका मैकेनिज्म में भी बताए थे, बीच में क्या बनता था, कार्बोकटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और तब 1 डिग्री, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, कहता है यहां देखो अल्कोहल को क्या बनाना है, अल्डिहाइड, याद आया, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड, तो यहां पे हमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, पूछा है किसके साथ होना चाहिए ऑक्सीडेशन, हम आपको रिएजेंट याद कराए थे, याद है, PCC और CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड और पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ढूंढो, एकदम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल आयोडाइड इनटू अल्कोहल, अल्काइल आयोडाइड, यहां देख,
ये है अल्काइल आयोडाइड, इसको अल्कोहल में बदलना है। तो बोलो यहाँ, यहाँ पर X माइनस को हटा के क्या लाना है, OH। X माइनस को हटा के OH अगर लाओगे तो सिंपल सा है, OH लाने के लिए यहाँ देख, एक को हटा के जब दूसरे को लाते हैं तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। कहता वैसे तो फलों, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल, आंसर बोलना, कौन सा एरोमेटिक अल्कोहल है, बोलो। 1 and 4, और कोई, इसका आंसर है 2 and 3, 2 and 3। सुनना, एरोमेटिक होने का जो कंडीशन है, एरोमेटिक होने का जो कंडीशन है, हकल्स रूल क्या कहा था, 4n+2π, अरे कहा था ना, लेकिन गौर से देखो यहाँ पे इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड होता है, जबकि यहाँ वाला देखो ये जो अल्कोहल है इसका लोन पेयर इसके साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोलो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6π, यहाँ पे भी 6π इलेक्ट्रॉन। हम याद रखना, फेनॉल, एक फेनॉल को कभी भी एरोमेटिक अल्कोहल में डिफाइन नहीं करते हैं, हम याद रखना, ये फेनॉल है और ये फेनॉल का डेरिवेटिव है। इसीलिए यहाँ देख, ये जो बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है उससे अगर OH आपका जुड़ा रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल, क्या कहलाएगा, यानी याद रखना OH जो होना चाहिए sp3 कार्बन से अटैच्ड रहना चाहिए, यहाँ पे sp2 कार्बन है, कैसा है, बहुत सारा रीजन है, ठीक है। चलिए, तो यानी यहाँ पे कौन कौन मिला, ये और ये, फेनॉल का और फेनॉल का डेरिवेटिव कभी भी आपका एरोमेटिक अल्कोहल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहता है IUPAC नेम, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी यहाँ देखो, ये OH है और ये CL है, नंबरिंग यहीं से करोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बोलो 5-chloro और 5 है, 5-chloro और टोटल 6 है, हेक्सेन 2-ol, हो गया आंसर सी। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है IUPAC नेम ऑफ मेटा क्रेसोल, क्रेसोल पहले याद है, क्रेसोल किसको कहे थे, फेनॉल में क्या लगाना चाहिए, CH3। तो ये अगर मेरा फेनॉल है, ये वाला पोजीशन ओर्थो और ये वाला कौन सा मेटा, यहां लगा दो, अब इसका नंबरिंग करो 1, 2 और 3, 3-methyl phenol ए नंबर, अरे होगा, होगा ना, ठीक, आंसर नहीं देखना, आंसर नहीं देखना, हाथ उठाओ, कितने लोग से इसका 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 नाम लिख सकते हो बता दो, हाथ उठाओ, इस कंपाउंड का 1, 2, 3, 4, तुम लोग बस माटी के मूरत बने रहो और सब काम में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां देखो ये वाला मिथॉक्सी है, 1, 2, 3, 2-methoxy propane, ये नहीं है आंसर, कौन सा है, आगे है सी डी में कहीं होगा ना, इसका नाम पर गया, ढूंढ लेना 2-methoxy propane, ठीक है, जो भी होगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दसवां नंबर, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस किसका होगा, बोलो। सुनो इसका एक्सप्लेनेशन लिखो हुए कॉपी में, क्वेश्चन नंबर कितना है 10, चलो याद करो, हम कभी सिखाए थे कोई एक एसिड ले लो, एसिड कैसे टूटेगा, H+
और जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? अगर ये वीक होगा, अगर ये वीक होगा तो उसका ये कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रांग। कैसा होगा? स्ट्रांग। आप याद करो एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर में हम आपको याद कराए थे पानी जो होता है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, पानी जो होता है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो गौर से देख, अल्कोहल से पानी एसिडिक है, ये वाला वीक है, और ये क्या है, वीक एसिड। तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा RO माइनस और H प्लस, तो ये कैसा होगा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस। हो गया आंसर, आंसर बी नंबर है। चल जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, जिसका बेसिक, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो। फेनॉल रिएक्ट करता था जबकि अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता था, तो ये फेनॉल है, बाकी सब तो ये अल्कोहल है, और ये भी बेंजाइल अल्कोहल है, फेनॉल यही ना है जी। अरे फेनॉल रिएक्ट करता था, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता था। चलो आगे बढ़ो, फेनॉल इज लेस एसिडिक, किससे कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा, मतलब फेनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन है। यहां देख, फेनॉल में, इस फेनॉल में कोई भी एक ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, कोई खींचने वाला हो। तो सोचो तो यहां पे कौन लगा हुआ है, नाइट्रो, खींचने वाला। तो खींचने वाला कैसा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा, अरे क्या करेगा, बढ़ा देगा, चाहे ऑर्थो पे रहे पारा पे रहे। चलो नेक्स्ट आओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, मेटाक्लोरोफेनॉल। फिर वही वाली बात हो गई, यहां देख ये फेनॉल है, अरे है, और इसके मेटा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, सीएल। सीएल कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जितना ज्यादा खींचेगा एच पे ज्यादा प्लस आएगा, अरे तो कौन होगा, जो ज्यादा खींचने वाला वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसी का तो एक्सप्लेनेशन है। चलो नेक्स्ट, 14 कहता है मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, घटता हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, घटता हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो जी, सबसे पहले खींचने वाला देखो, खींचने वाला कहां कहां है, दो और चार में। सुनना, यहां पर ये कौन सा पोजीशन है, अरे ओर्थो, मेटा और पारा, तो यहां मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, ये है मेटा, तो यहां पे माइनस आई होगा। तो बोलो सबसे ज्यादा दो, उसके बाद चार, दो और चार, उसके बाद देखो यहां पे कोई खींचने वाला नहीं है, एक यहां पर देने वाला, यहां पर देने वाला, ये प्लस एम होगा, और ये वाला माइनस आई होगा, ये वाला माइनस आई होगा, तो ये सबसे ज्यादा देगा, तो ये सबसे लास्ट में, उसके बाद कौन, तीन। हो गया आंसर, इसको केवल इसको घेर के लिखो, वहां कौन कौन सा इफेक्ट शो करता है, याद है कभी सिखाए थे, सब भुला जाना। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, एक टेबल बना हुआ है, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, कुछ याद है सर, 11th ना सर, पिछले जमाने का चीज है सर। बढ़े आगे जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मार्क दी करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBr या HCl। सुनो यहां, HBr और HCl के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा, इस OH को हटा करके और क्या लगा दो, Br और Cl। याद है वो OH को हटाएंगे तो यहां कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन जिसमें प्लस होगा, प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बोलो यहां आपके पास पैसे की कमी है, इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तब ना प्लस, और आपसे कोई ऐसा आदमी जुड़ा हुआ है कि एक तो पैसा का कमी है और ऊपर से वो और तुम्हारा खून चूस रहा है, तो तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा,
और कम कर देगा, एक तो ऐसे ही मरे जा रहे हो, और पर सब मार रहा है आपको। यहां देख, ये NO2 है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। ये Cl है, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी क्या करेगा, क्या करेगा जी, घटा देगा। तो बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, कौन ए वाला, मतलब पहला वाला, पहला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद पहला के बाद देखो NO2 सबसे स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, Cl से ज्यादा स्ट्रांग होता है खींचने वाला। तो बोलो वन के बाद थ्री, थ्री के बाद टू, सुन ले यहां, ये भी कभी आपको सिखाए थे, सुन ले यहां, ये माइनस आई और ये माइनस एम, मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पे, इंडक्टिव पे, मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पे, इंडक्टिव पे। तो सबसे ज्यादा खींचने वाला कौन है, NO2, तो जो जितना खींचेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये दो दो नंबर सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है, लास्ट वाला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। सुने आप, कभी हम आपको पिछले ही चैप्टर में सिखाए थे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, और जब मॉलिकुलर वेट सेम हो जाए तो क्या देखते हैं, ब्रांचिंग, अरे क्या देखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यहाँ देख, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो पेंटेन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्यूटेन वाला, तब प्रोपेन वाला, तो प्रोपेन वाला सबसे कम, और ब्यूटेन में देखो ब्यूटेन वन ओल और ब्यूटेन टू ओल, टू ओल में दूसरे पोजिशन पे आया तो क्या हुआ, थोड़ा सा उसका स्पेस एरिया घट जाएगा ना, और वन ओल पे तो पूरा सीधा एक लाइन में रहेगा, और टू ओल में कहाँ गया, बीच में। तो बोलो इसका ब्रांचिंग बढ़ गया तो ब्यूटेन टू ओल का कम होगा और ब्यूटेन वन ओल का ज्यादा होगा। ढूंढो, प्रोपेन, ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन वन ओल, पेंटेन, यही है, ए नंबर आंसर है। अरे होगा ना, केवल इसको लिखो, केवल इसको लिखो, बॉइलिंग पॉइंट दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, पहला मॉलिकुलर वेट, और जब मॉलिकुलर वेट सेम हो जाता है तो क्या देखते हैं, ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसका मॉलिकुलर वेट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। चलिए खत्म हो गया, एक बार वीडियो के साथ इतना डिस्कशन करके देख लीजिए, ये अगर नहीं समझ में आता है, सुनो यहां, ये जो हम आपको ग्रुप के विषय में बोलते हैं, सुनो एक मिनट, जीओसी के वीडियो में जाना, कहां पे जाना, जीओसी वाले वीडियो में जाना, और जहां पे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का सबसे लास्ट वीडियो में जाना, जहां पे हम आपको क्या किए हैं, लास्ट वीडियो में हम आपको सबका एक जगह कंपेयर किए हैं, प्लस आई माइनस एम, अरे याद है, माइनस आई माइनस एम, पूरा ग्रुप को एक जगह रखे थे, क्यों है वो भी एक्सप्लेन किए थे। थोड़ा सा वो वाला वीडियो ढंग से देखिए, मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा एक बार देख लो, ये सब समझ में आने लगेगा। चलो बस आज इतना ही।